भस्म चल कर हुआ शिर्क बिदअत का घर, नाम कासिम की तीली जिधर फेंक दी। मेरे असगर ने अहमद रजा खान की चादरें किजब को फाड़ कर फेंक दी। हेलो हेलो। हेलो हाँ कौन? हेलो, हाँ कौन हो आप कौन बोल रहे हो भाई? भाई? आपने फोन किया, आपका मिस कॉल था। हाँ, आपका मिस कॉल था। कौन है आप? मैं इंसान औलादे आदम समझे मुसलमान हूँ। क्यों फोन किए थे ना? यही तो मेरा नाम है, हाँ, यही नाम है आपका। ये तारुफ हुआ मेरा। तो आपका नाम बताएं, जो आपके वालदे ने आपका नाम रखा है, नाम क्या है? मेरा नाम सजे दरे ख्वाजा और रवा अब्दुल अहद भिया कादरी जी। अच्छा, मुफ्ती साहब हैं आप? आप मुफ्ती साहब हैं? हाँ जी, मैंने क्या पता आपको बता, भूल गया यार, भूलने की बीमारी आपको। ये बताएं किस मौजू पर बात करना है आपको, हाँ, किस मौजू पर आपको बात करना है? मुझको बात करनी है आपसे। जी, आपको कौन सा मौजू चॉइस है? हाँ, आप जिससे ज्यादा महारत रखते हैं उसी पर बात करें ना मुफ्ती साहब। अब आप जिससे ज्यादा महारत रखते हैं उसी पर बात करें ना। जो मुझको तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पे महारत है, अच्छा इम्कान है किस बे माशाल्लाह। मेरे आला हजरत का जी फैजान है, करम है, जी जी मेरे हुजूर सरकार ताजुल शरिया का फर्ल है। जी इल्म गैब पर बात मैं हर मौजू करेंगे। पे देखें देखें, अब इल्म गैब पर बात हाँ, करेंगे, इम्कान है किस बे बात करेंगे। ये तो इल्म आप किसी पर बात कीजिए ना भाई मेरे। अच्छा जी। तो माशाल्लाह आपका अंदाज गुफ्तगू अच्छा है भाई मेरे। हाँ, हाँ तो बताएं, इल्म गैब पर आपका क्या अकीदा है, और अहले सुन्नत जमात का अकीदा क्या होनी चाहिए इल्म गैब के मुताबिक? मेरा ही नहीं, देखिए कुरान हदीस जी। का जो कुरान हदीस का जो और इस्लाम का जो जो मुसलमान है उसका अकीदा। हाँ, जी क्या है अकीदा, क्या कुरान होना हदीस चाहिए? पर जो ईमान रखते हैं, जो अल्लाह को मानता है, जो रसूलुल्लाह को मानते हैं, जो कुरान को मानते हैं, जो हदीस को मानते हैं, उनका अकीदा यही जी और हजरत, इस्लाम कि हजरत मेरी बात अल्लाह सुने, के रसूल। जी हजरत जी अल्लाह के रसूल। हाँ जी, हजरत इतनी लंबी बात ना करें गुफ्तगू। आपको पता है खैरुल कलाम अल्लाह के वाकल रसूल माजी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गैब पर कुदरत रखते हैं। गैबी बातें, गैबी चीजें आप जानते हैं, अल्लाह ने आपको गैब की चीजों पर इत्तला फरमाया जी। ये नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत सिर्फ थी। जी, मुफ्ती हमारे अब्दुल नबी के नहीं बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मेरे नबी के सदके, यहाँ हाँ तक के अंबिया किराम भी गैब पर मुत्तले हैं नबी तो के वसीले से। जी। अच्छा तो मतलब ये नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत नहीं थी, खसूसी शान नहीं थी हाँ, ये इल्म गैब जो है नबी अलैहिस्सलाम की खासियत खसूसियत में से नहीं थी, अंबिया की खसूसियत में से नहीं है। हाँ मैं पूछ रहा हूँ नहीं, आपको जी, गरीब। हजरत हाँ हाँ आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, समझ रहा हूँ मैं आपको पूछ मैं। रहा हूँ कि यह इल्म गैब है, अंबिया अली सलात सलाम की खसूसियत में से है कि नहीं हाँ, नबियों की खुशियत है, लेकिन नबियों के वसूले से अलिया भी जानते हैं। है? तो ये किसकी खसूसियत है, अंबिया और अवलिया ही की खसूसियत है, या इसके अलावा किसी और की और में भी है ये चीजें इल्म गैब? और नहीं है, नबियों में है। अच्छा मतलब नबी और अवलिया के अलावा किसी और के लिए इल्म गैब का मानना, नहीं मानना चाहिए। अगर कोई माने तो? जिस तरह हजरत सुने, हाँ आपके हाँ बाहर शरीयत जो है, पता है ना हाँ आपको, बाहर हाँ शरीयत हिस्सा अव्वल सफा नंबर 14 पे अकीदे के बाब में हाँ आपके हजरत ने बात लिखी है कि हाँ इल्म गैब जो है ये खास उलूहियत है, हाँ खास है। इल्म जाती की है कि ये खास उलूहियत है, इस बात अताई का है कि ये अंबिया ही की शाया निशान है और हाँ मनाफी उलूहियत है। ठीक हाँ है हजरत, समझा आपने बात समझी? आखिर वाली बात नहीं समझे। मैं आज पढ़ रहा हूँ कि लिखा है
आयत नफी देते हैं और उन आयतों से जिनमें अंबिया अलैहिस्सलाम को उलूम गैब अता किया जाना बयान किया गया है इनकार करते हैं, हालांकि नफी और इस्बात दोनों हक है कि नफी इल्म जाती की है और ये खास उलूहियत है जाती इल्म गैब और ये इस्बात अताई का है यानी अंबिया ये अंबिया ही की शाय निशान है। ठीक है, क्या कहा? अंबिया ही की शाय निशान है इल्म गैब अताई। ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। तो अगर आपके नजदीक अंबिया के अलावा ओलियों के लिए भी है तो फिर अंबिया की शाय निशान कैसे हो रही है चीजें? अरे अंबिया के वसीले से ना, तो फिर अंबिया की शाय निशान नहीं रही ना हजरत? इल्म गैब अताई जैसे जाती इल्म गैब खुदा के लिए नहीं, मिसाल के तौर पर मैं आप बात समझ नहीं पा रहे हजरत। मिसाल के तौर पर मैं बात समझ रहा हूँ जी। नहीं नहीं, शरीयत मेरे सदर शरिया ने लिखा है। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ हजरत, जिसका ज्यादा उनको मानता हूँ ईमान है मेरा हजरत जी। इस उधर की बातें ना करें, बात काम की करें। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के है ना, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, चाहे अताई हो या अजाती हो, है ना? तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि अंबिया ही की शाय निशान है, यानी अंबिया ही शाया निशान है भाई। हाँ, अंबिया ही की शाया निशान है। ठीक है, तो अंबिया ही की शाया निशान है, किसी और की शान नहीं है, किसी और की खसूसियत नहीं है, किसी और में नहीं है। ठीक है, अताई। तो आप जो कह रहे हैं कि औलिया ही को भी है तो फिर ये तो इबारत गलत होगी। आपके सदर शरिया बोल रहे हैं, अगर गलत बोल रहे हैं तो नहीं, नहीं गलत नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को जी। आप समझा दें, खुसूसियत नबी की है। हाँ, और नबी के वसीले से दूसरे भी जान सकते हैं। खुसूसियत कैसे हो गई इधर? अगर खुसूसियत किसी के लिए एक के लिए होती है, फिर दूसरे में भी हो तो फिर उनके लिए खुसूसियत कैसी रही है इधर? है ना? चले, दूसरी बात, अगर आपका अकीदा यही हो कि अंबिया को है इल्म गैब और औलिया ही को भी है, तो औलिया अंबिया के अलावा किसी और काफिरों में मानना ये सही नहीं ना हजरत? इल्म गैब काफिरों में मानना सही नहीं है। कोई अगर माने तो हजरत, हजरत कोई अगर माने तो, कोई अगर माने की वजह से हम थोड़ा नबी को नबी मानते हैं? नहीं हजरत, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको, वो सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं सवाल ही कर रहा हूँ। सवाल नहीं यार, सवाल बोलो, सवाल के वजन पर क्या, सवाल के वजन पर सवाल होता है, सवाल नहीं। नहीं नहीं हजरत सुने, सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको कि आपने कहा, आपने सही कहा एक बार कि अंबिया औलिया के लिए, उसके अलावा काफिरों के लिए मानना सही नहीं है, है ना? तो अगर कोई काफिरों के लिए इल्म गैब माना तो आदमी कैसे हजरत आपके नजदीक? काफिरों के इल्म गैब अगर माने तो इल्म गैब काफिरों के लिए? जी जी जी, गलत है, वो खाती है, काफिर है ना, खाती है वो। मैं काफी नहीं हजरत, एक खसूसियत जो अंबिया के लिए हो वो खसूसियत काफिरों को दे दिया जाए तो फिर वो नबी की गुस्ताखी नहीं है हजरत? वो नबी की गुस्ताखी नहीं है? हाँ गुस्ताखी है। तो नबी की गुस्ताखी करने वाला आपके आला हज़रत ने फतवा लगाया है कि नबी का अदना गुस्ताखी काफिर है, उसकी तौबा कबूल नहीं है। हाँ हाँ, अब पता है हजरत आपको? हाँ, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे आला हज़रत का नाम ले रहे हैं। हाँ, आपके आला हज़रत ने फतवा दिए है कि नबी अलैहिस्सलाम के अदना गुस्ताखी करने वाला काफिर है, उसका उसकी तौबा मकबूल नहीं है ना हजरत? फिरन काफिर है वो, माशाल्लाह। तो आपने भी तस्लीम कर लिया कि इल्म गैब किसी काफिर के लिए मानना एक कुफ्र गुस्ताखी है और उसकी तौबा कबूल नहीं है। आपकी किताब हजरत की किताब है कंजुल ईमान, तफसीर नूरुल इरफान, नूरुल बयान नहीं, रूहुल इरफान किताब है। आपके हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी साहब की किताब है, उन्होंने लिखा है। किताब नहीं है, कुरान की तफसीर लिखी है उन्होंने हजरत, उन्होंने नूरुल इरफान लिखी है, तफसीर है ये। कंजुल ईमान है ना, लिखा है, देखो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ। अल कुरान अल करीम मा तर्जुमा कंजुल ईमान, अहमद इमाम अहमद रजा खान बिरयानी लिखा है। उन्होंने लिखी है ये बात कि मालूम हुआ कि रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया कि उसने आइंदा के मुतालिक जो खबर दी आज वैसा ही देखा जा रहा है,
हजरत आपने मुझे कहा था कि अब मुफ्ती हैं, अबुल मुफ्ती हैं, मुफ्ती घर है, मुफ्ती बनाते हैं। तो अब आपने आपने तो ये कहा कि जो काफिर के इल्म में गैब माने वो गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख रसूल की तौबा कबूल नहीं है। तो आपके अहमद यार खान नईमी तो गुस्ताख हो गए ना हजरत। आप बोलिए गैब की तारीफ कर दो, आप उन्होंने क्या लिखा है। हाँ, उन्होंने लिखा है, मालूम हुआ कि रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया कि उसने आइंदे के मुतालिक भी खबर दी। आज दुनिया ही देखा जा रहा है कि चारों तरफ ये ताकत है। तो आगे लिखते हैं, मतलब आपके अहमद यार खान नईमी साहब ने इस आयत की तफसीर में आपने लिखा है। आयत लिखी उन्होंने, يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ एक बहुत सारी आयत है, وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ। ये आयत लिखी उन्होंने, इसकी तफसीर में उन्होंने लिखा है, ठीक है हजरत। हाँ ठीक है, तो उनकी तफसीर में लिखी है उन्होंने। तो आपने भी बात कही है कि जो इल्म गैब जो है ये काफिर के लिए माने वो गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख रसूल की तौबा कबूल नहीं है, वो काफिर है। तो आपने अपने गुस्ताखी रसूल कैसे हुआ, वो रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा तब ना रसूल हुआ। आपने आपने खुद अभी कहा था, नहीं, खाती कहा उसको।